नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी .com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से एक है छत्तीसगढ़। इस बीच खबर है कि विधानसभा चुनाव से पहले कल रविवार को बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्य में पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि खराब की जा रही है। अब ऐसे में इस बात की अटकलें जोर पर हैं कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के सभी बड़े नेता सोमवार सुबह 10:30 बजे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठा हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय के बीजेपी से इस्तीफा देने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। वहीं इससे पहले बीजेपी नेता के इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की संचार शाखा के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा था कि साय जैसे ज्ञानी विनम्र और सहिष्णु नेता का पार्टी छोड़ना इस बात का संकेत है कि बीजेपी आदिवासी नेताओं को अपमानित और उपेक्षित कर रही है। यदि उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो इसका मतलब है कि बीजेपी इस बहुत बड़े वर्ग की उपेक्षा कर रही है, जिसे साय बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज सोमवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पार्टी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पार्टी का घोषणा पत्र युवाओं के लिए कल्याणकारी उपायों, बुनियादी ढांचे के विकास और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हो सकता है। इसके अलावा पहली बार के मतदाताओं को साथ लाने के लिए और 12वीं पास करने वाले युवाओं और छात्रों के लिए एक विशेष घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल उनके खिलाफ अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में गुजरातियों को ठग कहने को लेकर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में आज सोमवार 1 मई को सुनवाई होनी है। बता दें कि कोर्ट में दायर याचिका में तेजस्वी यादव पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। दायर की गई याचिका में बताया गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने अपने बयान में गुजरातियों को ठग कहा है। इसी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने मेट्रो कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, जिस पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हफ्ते भर से धरने पर बैठे विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की मांग है कि WFI अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं इन सभी मुद्दों पर EBP न्यूज से बात करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। हम अपने आप में जानते हैं कि हम निर्दोष हैं और हर जांच में सहयोग करेंगे। इस्तीफा देने की बात पर उन्होंने कहा कि इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इन लोगों ने मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसका अपराधी बनकर कैसे रह लेता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी इस्तीफा मांगा ही नहीं, इनके बयान लगातार बदलते रहे हैं। अगर मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत है तो दिखा दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। सिंह से ये पूछे जाने पर कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कहें तो क्या आप इस्तीफा दे देंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि तुरंत इस्तीफा दे देंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, पार्टी में अमित शाह, जेपी नड्डा में से भी कोई कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मंत्रालय मिरेक्स में अपने संबोधन में कहा कि भारत के प्रत्येक जुड़ाव का अपना विशेष महत्व और फोकस है, फिर चाहे वह अमेरिका हो, यूरोप हो, रूस या जापान हो। उन्होंने कहा कि भारत संबंधों को इस तरह मजबूत करने की कोशिश कर रहा है कि सभी संबंध विशिष्टता की मांग किए बिना आगे बढ़ें। वहीं चीन को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा विवाद और वर्तमान में हमारे संबंधों की असामान्य प्रकृति के कारण चीन कुछ अलग श्रेणी में आता है। इसके साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की गतिविधियों को लेकर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए जयशंकर ने कहा यह उनके द्वारा सीमा प्रबंधन के संबंध में समझौतों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत का एक ही समानांतर समय सीमा में उदय भी इसके प्रतिस्पर्धी पहलुओं के बिना नहीं है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में ढही 2 मंजिला इमारत के मलबे से रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत रविवार देर रात तक 18 लोगों को निकाला गया है। इनमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। NDRF के मुताबिक मलबे में दबे लगभग सभी लोगों को निकाल लिया गया है। हालांकि राहत और बचाव कार्य पूरा मलबा हटाने तक जारी रहेगा ताकि अगर कोई फंसा हो तो उसे निकाला जा सके। गौरतलब है कि मनकोली के बलपाड़ा स्थित वर्धमान कंपाउंड में 2 मंजिला इमारत शनिवार को दोपहर करीब 1:45 बजे ढह गई। इमारत के भूतल और पहली मंजिल पर गोदाम थे, जबकि ऊपरी मंजिल पर 4 परिवार रहते थे। भिवंडी के पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले ने बताया कि इमारत के मालिक इंद्रपाल पाटिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत
मामला दर्ज किया गया है, हालांकि उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया। खबर है कि इन मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी सीक्रेट मैसेज भेजते थे। आतंकी इन ऐप्स का इस्तेमाल कश्मीर में अपने सपोर्टर्स और ऑन ग्राउंड वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कर रहे थे। बता दें, इन ऐप्स में क्राइपवाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विक्रमे, मीडिया फायर, ब्रायर, बी चैट, नैन बॉक्स, कॉनियन, IMO, एलिमेंट सेकेंड लाइन, जांगी, थ्रेमा जैसे ऐप्स शामिल हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन ऐप्स के जरिए जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के द्वारा भी कोडेड मैसेज भेजे जाते थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गालियों के संबंध में टिप्पणी पर रविवार को कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा था कि अब तक पार्टी और उसके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं। पीएम के इस बयान पर प्रियंका ने कहा कि कम से कम वे एक चीज में फिट बैठ रहे हैं। अगर आप उनके द्वारा मेरे परिवार को दी गई गालियों को देखें और अगर हम सूची तैयार करना शुरू कर दें तो हम एक के बाद एक कई किताबें प्रकाशित करा सकते हैं। प्रियंका ने कहा कि पिछले कुछ 2-3 दिनों से जो कुछ मैं देख रही हूं वह अजीब है। मैं कई प्रधानमंत्रियों को देख चुकी हूं। इंदिरा जी, उन्होंने इस देश के लिए गोलियां खाई। राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैंने पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह को इस देश के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है, लेकिन वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपके सामने आते हैं और रोते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं। वह आपका दुख सुनने की बजाय यहां आकर अपने बारे में बताते हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने भाई राहुल से सीख लेने की सलाह देते हुए कहा कि हिम्मत रखिए मोदी जी, मेरे भाई राहुल से सीखिए। मेरा भाई कहता है कि वह इस देश के लिए गाली ही नहीं बल्कि गोली खाने को भी तैयार है। मेरा भाई कहता है कि वह सच के लिए खड़ा रहेगा, चाहे गाली दो, गोली मारो या चाकू मारो। प्रियंका ने कहा, मोदी जी डरिए मत, ये सार्वजनिक जीवन है और ऐसी बातें झेलनी पड़ती हैं। साहस दिखाने और आगे बढ़ने की जरूरत है। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक और बात सीखते हैं तो यह अच्छा होगा, लोगों की आवाज सुने। IPL 2023 के आज 1 मई को खेले जाने वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आमने सामने होंगी। बता दें, आज का ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।